अभी मार्केट में स्ट्रॉबेरीज को देखकर लगता है कि काश इसका सीजन पूरे साल बना रहे मगर ये पॉसिबल नहीं है हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ मनीषा आज मैं वैसे वो तीन बेस्ट तरीके आपको बताऊंगी जिससे हम स्ट्रॉबेरीज को स्टोर करके पूरे साल तक एंजॉय कर सकते हैं तो आइए हम शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट मेथड टू प्रिजर्व स्ट्रॉबेरीज तो मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज ली है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब हम इसके स्टेम को कट करेंगे हमें स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश करके एकदम ड्राई कर लेना है हम दो तीन पानी में स्ट्रॉबेरीज़ को धो लें और उसको अच्छे से किसी कपड़े पर फैला के हम इसको ड्राई कर लें और उसके बाद मैं इसकी स्टेम्स निकाल रही हूँ आप क्वांटिटी कितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ और ये मैंने सारी स्टेम्स निकाल ली है अब मैं एक प्लेट ले रही हूँ उसमें मैं ये सारी स्ट्रॉबेरीज को इंडिविजुअली फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी हम एकदम स्पेस दे के अलग अलग इनको फ्रीज़ कर रहे हैं ताकि जब हम उसको किसी पैकेट में किसी बैग में डाल के फ्रीज़ करें तो वो आपस में चिपके नहीं ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज एकदम अच्छे से फ्रीज़ हो गई है अब मैंने यहाँ पर एक जिप लॉक बैग लिया है उसमें मैं इन स्ट्रॉबेरीज को डाल के फ्रीज़ कर दूँगी कुछ रेसिपीज़ में होल स्ट्रॉबेरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसको आराम से फ्रीज़र से निकाल के थॉ कर लेंगे और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं या तो हम इसको चॉप करके कर ले यूज़ कर सकते हैं या फिर प्योरे में बना के यूज़ कर सकते हैं हम जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं अब मैं देखिए इसको वैक्यूम सील कर रही हूँ पैकेट को मैंने एक स्ट्रॉ लिया है रेगुलर स्ट्रॉ जो हमारी होती है उससे मैंने फिर सक कर के इसकी पूरी एयर को निकाल लिया है ताकि ये वैक्यूम सील हो जाए ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज एकदम रेडी है फ्रीज़ करने के लिए अब मैं इसको वन ईयर तक आराम से यूज़ कर सकती हूँ है ना ये कितना आसान तरीका स्ट्रॉबेरीज़ को स्टोर करने का अब हम दूसरा मेथड देखते हैं ये देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को रफली चॉप कर लिया है इसको मैं मिक्सी जार में डालकर इसका प्योरे बना लूँगी ये देखिए मैंने इसको प्योरे कर लिया है एकदम परफेक्टली हो गया है प्योरे अब मैंने एक आइस ली है इसमें मैं ये डाल रही हूँ कभी कभी हमें जब शुगर फ्री कोई रेसिपी बनानी होती है तो हम इसमें ये वाली स्ट्रॉबेरी का प्योरे ये जो है इस फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं है ये एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी का प्योरे जैसा है और ये हम आराम से हमारी जैसे अगर हम स्ट्रॉबेरी स्मूदी वगैरह बना रहे हैं तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं और, और अब इसको चंकी टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज को फाइनली चॉप कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में और इसको इसमें मैं हर क्यूब में डाल रही हूँ ताकि जब हम कोई भी स्मूदी या कोई भी रेसिपी बनाएं तो हमें इसमें जब चंक्स आएंगे तो एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी का फील आएगा ये और ये फिर हम फ्रीज़ कर देंगे अच्छे से और ये हम आराम से वन ईयर तक यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक या दो क्यूब निकालें और इसको यूज़ कर लें कि ये भी बहुत ही इजी तरीका है स्ट्रॉबेरीज़ को स्टोर करने का कभी कभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा भी आ जाती है स्ट्रॉबेरीज तो हम उसको ऐसे स्टोर कर सकते हैं ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने फ्रीज़ किया था ये परफेक्टली एकदम फ्रीज हो गई है ये क्यूब्स हमारे निकल के रेडी हो गए कितने प्यारे लग रहे हैं ये बहुत ही सही है अब हम इनको किसी भी बॉक्स में डाल के स्टोर कर सकते हैं या फिर हम किसी जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सिप लॉक बैग लिया है जिसमें मैं इन सबको स्टोर करने वाली हूँ ये बहुत ही इजी तरीका है नो शुगर वाली रेसिपीज़ में स्ट्रॉबेरीज़ को यूज़ करने का और ये मैं वैसे ही उसको वैक्यूम सील कर रही हूँ मैंने वैसे ही स्ट्रॉ लिया है स्ट्रॉ से हम इसको पुल करके इसका सक कर के एयर निकाल लेंगे सारी और फिर हम इसको आराम से फ्रीज़र में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं और अपनी नो शुगर रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकते हैं अब हम देखते हैं हमारा थर्ड मेथड जिससे हम स्ट्रॉबेरीज़ को कैसे स्टोर करें इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी ली है ये स्ट्रॉबेरीज जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन करके ड्राई कर लिया था अब हम इसकी स्टेम को रिमूव करेंगे और हम इससे बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी क्रश ये बहुत ही वर्सेटाइल रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा काम आती है हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं चाहे वो केक की के फिलिंग हो या फिर आपको पैनकेक्स के ऊपर टॉपिंग डालनी हो कस्टर्ड में डालना हो स्ट्रॉबेरी मूज बनाना हो स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनाना हो आपको स्ट्रॉबेरी स्मूदीज बनानी हो आप हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये तो बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाना भी बहुत ईजी है मैंने यहाँ पर सॉरी स्ट्रॉबेरीज के स्टेम रिमूव करके को चॉप कर लिया है और फिर हम अब इससे अपना स्ट्रॉबेरी क्रश बनाएंगे मैंने यहाँ पर एक पैन को हीट करने के लिए रख दिया है उसमें अपनी स्ट्रॉबेरीज को डाला है थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज अराउंड हाफ कप मैंने अलग से रख ली है अब मैं डाल रही हूँ 250 फिफ्टी ग्राम्स ऑफ शुगर ये अराउंड वन कप है और हमने हाफ के जी स्ट्रॉबेरीज़ ली थी तो हम इसमें टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ शुगर डाल रहे हैं और हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसी शुगर में हम अपने हमारी स्ट्रॉबेरीज को कुक करने वाले हैं धीरे धीरे शुगर मेल्ट होती जाएगी और वो लिक्विड हो जाएगी तो उसी लिक्विड में हम अपने स्ट्रॉबेरीज को कुक करने वाले हैं ये देखिए एक से दो मिनट में ही ये शुगर हमारी मेल्ट होने लग गई है और फिर ये धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करना है देखिए धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ कंसिस्टेंसी इसकी पतली होती जा रही है हमें इसको कुक करते हुए फाइव मिनट्स हुए हैं ये देखिए इसमें बबल्स आने लग गए हैं ये अच्छे से हमारी शुगर मेल्ट होके और हमारे जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस थे वो इसमें कुक होने लग गए हैं और ये हमें अराउंड टोटल इसमें ट्वेंटी मिनट्स लग जाएंगे और ये देखिए मैं जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस बचाए थे उसको मैं एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ हम इसका प्योरे बना लेंगे मैं इसकी प्योरी बना ली है मैंने और अब हम इसको इसमें हमारे जो शुगर सिरप में है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे ये देखिए हमारी जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस थे वो अराउंड हाफ कुक हो गए हैं इसको कुक करते हुए मुझे अराउंड एट मिनट्स हो गए हैं और ये अब मैं जो प्योरी बनाई थी हमने स्ट्रॉबेरी की वो भी इसमें डाल रही हूँ और इसके साथ ही हम इसको भी कुक कर लेंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसे कंटीन्यूसली चलाते रहें और फ्लेम को भी हमें मीडियम रखना है बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है और फिर हम इसको कंटीन्यूस चलाते हुए कुक करते जाएंगे इसका कलर देखिए धीरे धीरे चेंज होने लग गया है अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लेमन जूस मैंने हाफ लेमन का जूस लिया है ये वन टीस्पून है हम लेमन जूस डाल रहे हैं इसमें ताकि हमारी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज ना हो अगर आपके पास ये सेट्रिक एसिड हो तो आप वो भी डाल सकते हैं मैंने इसलिए नहीं डाला कि सबके पास अवेलेबल नहीं होता है हर टाइम तो हम इसे ऐसे ही चलाते हुए और कुक करते जाएंगे इसमें अभी हमें अराउंड 15 मिनट्स हुए हैं इसको कुक करते हुए अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए थोड़ी सी थिक हो गई है मैं आपको हर स्टेप में दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं हो मुझे अराउंड 18 मिनट्स हो गए हैं इसको कुक करते हुए ये थोड़ा सा थिक हुआ है अभी और थोड़ा सा मैं इसको पाँच मिनट और कुक करने वाली हूँ फाइव मिनट्स और कुक करने के बाद ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब मुझे ठीक लग रही है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश एकदम ठंडा हो गया है ये दिखाती हूँ मैं इसको कितना वाइब्रेंट कलर है इसका और ये इतना ऐसा इसका टेक्सचर होगा ये कंसिस्टेंसी है इसकी बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसके पीसेस स्ट्रॉबेरी के आपको दिख रहे होंगे वो अच्छे से कुक भी हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है मैंने इसको टेस्ट किया था बहुत ही बढ़िया बना है ये और बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है मैंने यहाँ पर इसको स्टोर करने के लिए एक ग्लास बॉटल ली है और इसको एकदम अच्छे से साफ़ करके मैंने इसको ड्राई किया हुआ है जस्ट मेक श्योर कि इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर ना हो नहीं तो हमारा ये स्ट्रॉबेरी क्रश ख़राब हो सकता है और अगर आप इसको बाहर स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज में नहीं स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें एक चुटकी आप सोडियम बेंजॉइट आता है मार्केट में वो बहुत ईजिली मिलता है वो आप उसमें डाल सकते हैं लेकिन मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी विदाउट एनी प्रजर्वेटिव मैं उसे सिक्स टू एट मंथ्स तक इजीली यूज़ कर सकती हूँ और अगर आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो आप इसे एक साल से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट पार्ट है कि फ्रीज़र में स्टोर करने के बाद भी ये ऐसे ही जेली फॉर्म में रहता है ये हार्ड नहीं होता है तो आप भी ऐसे ही स्ट्रॉबेरीज को प्रिजर्व करके पूरे साल तक उसका मज़ा ले सकते हैं तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएँ अपने फीडबैक और हर बार की तरह आपको याद दिला रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय